आज हम जिस स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं उसने 5 महीने में 85% का रिटर्न दिया है, आप सबका फेवरेट है और टाइम टू टाइम क्वेरी खूब आती है और अभी भी आप लोगों की क्वेरी आ रही है क्योंकि 5 दिन में 18% का रिटर्न दिया है। तो अब सवाल है कितना और ऊपर जाएगा, बाय करें या ना करें, और अगर बाय है तो क्या सेल कर दें। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन ये सवाल समझ कैसे सकते हैं जब तक हम कंपनी के फंडामेंटल को नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात इन्वेस्टमेंट की भी आती है, ट्रेडिंग की भी आती है। तो हम कंपनी को देखेंगे, कंपनी किस तरीके से क्या कर रही है उसको समझेंगे, और तब पूरी बातों को बताते हुए लास्ट में हम अपना विजन रखेंगे कि क्या है जिससे आप खुद के बॉस बनकर डिसीजन ले सको। तो जो भी नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल डेली टेलीग्राम पे दे रहा हूं, जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, और प्लीज फीडबैक बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको वो डेली के लेवल। और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आई होप YouTube कम्युनिटी का मजा ले रहे हुए ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके, जहां स्विंग ट्रेड में हमने NCC, इंजीनियरिंग इंडिया, वेल्सपन कॉर्प, रिलायंस SRF, बिरला सॉफ्ट जैसे धमाकेदार चीज़ें आपके साथ शेयर की थी और वो ज़बरदस्त मुनाफे में प्रूफ स्क्रीन पर है, तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं। हम बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का, जिसमें हम बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन सब कुछ देखने वाले हैं और बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, जैसे अभी तक आपने जो भी फंडामेंटल एनालिसिस देखी थी ना उसका बिल्कुल तरीका बदल रहे हैं, तो आई होप कुछ और सीखने को मिलेगा। तो देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ता है तो ऑटो फेयर बढ़ जाते हैं, किसी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो उससे बनने वाले प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी टमाटर के प्राइस बढ़े हुए, तो जिस खाने में टमाटर यूज़ होता है उसका प्राइस बढ़ गया, और मैकडोनल्ड ने तो अपने बर्गर में टमाटर ऐड करना ही बंद कर दिया। मैं अभी बनारस गया था तो बनारस की फेमस जो टमाटर वाली चाट थी उससे टमाटर गायब है, सिर्फ कहने को टमाटर वाली चाट रह गई है, तो आप समझ सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ बताऊँगा। पहले आप कमेंट में बताएं कि मैंने जो भी बताया आपने ये सब नोटिस किया है कि नहीं, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे जो यूनिक वे में मैं आपके लिए लाया हूं। ये जो एक्टिविटी मैंने बताई है इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। मतलब किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से उससे रिलेटेड या उससे बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया। और अब मैं चाहूँगा इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप मुझे कमेंट में ऐसा कोई भी एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जिसका एग्जांपल यूनिक होगा, उसकी तरफ से मिलने वाली है ये हमारी नई बुक मनी एंड यू, जो आप भी पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, और ये बुक मिलेगी 3 लोगों को। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। कैसे काम करता है और कैसे आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं सब कुछ रिलेट करके बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अनुसार फ्यूचर में किस इंडस्ट्री का ग्रोथ होने का उम्मीद है, तो मुझे लगता है 90% लोग AI, EV, रिन्यूएबल एनर्जी, ड्रोन इंडस्ट्री की बात करेंगे, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी है। अब इन इंडस्ट्री के ग्रोथ से कमाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है आप डायरेक्टली वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि जब सभी को पता है कि कोई XYZ कंपनी है जो बैटरी बनाती है या कोई ABC कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो सभी इसी कंपनी जिनके बारे में सभी को पता होता है इन कंपनियों का शेयर खरीदते हैं और प्राइस आसमान पे चला जाता है, मतलब ओवर प्राइस्ड हो जाता है, और जिसने बॉटम में बाइंग किया है वो प्रॉफिट में रहता है, और 90% रिटेल ट्रेडर को जब ये बात पता चलती है तो वो टॉप पर फंसते हैं। और ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए एक दूसरा तरीका होता है ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना जिससे आप इस इंडस्ट्री के ग्रोथ से भी कमा पाएंगे और ओवर प्राइस शेयर बाय करके फंसेंगे भी नहीं। एग्जांपल चलिए ईवी की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ बैटरी बनाने वाली कंपनी या ऑटोमोबाइल कंपनी ही इसमें इन्वॉल्व है? आंसर है नो। कई कंपनी होती है जिनका ईवी में अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है मगर वो डायरेक्ट दिखती नहीं है, जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनी, टायर बनाने वाली कंपनी, व्हील बनाने वाली कंपनी, ये सभी व्हीकल में लगती है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या ईवी हो। तो जब ईवी का डिमांड बढ़ेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगा, तो ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि ऑटो पार्ट्स कंपनी का भी डिमांड बढ़ेगा, टायर कंपनी का भी डिमांड बढ़ेगा, और साथ में उन केमिकल का भी डिमांड बढ़ेगा जिससे ईवी के लिए बैटरी बनाया जाता है। और यहीं पर रोल आता है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का। हिमाद्री केमिकल बैटरी का
मटेरियल बनाती है जो ईवी में यूज़ होने वाला है। इसके अलावा और भी कई इंडस्ट्री में इसका बनाया हुआ केमिकल यूज़ होता है। अब जब इसके बिजनेस को डिटेल में समझेंगे तो सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब जैसा कि ईवी में ग्रोथ है, हमें पता है ईवी के मोस्टली शेयर ओवरप्राइस्ड हो चुके हैं, जेबीएम को ले लो, इलेक्ट्रा को ले लो, करेक्ट। तो ऐसे केस में ईवी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें कंपनी को देखने की ज़रूरत है। और यही था वो नया कॉन्सेप्ट जिससे अब आप किसी कंपनी या इंडस्ट्री को देखेंगे तो उससे जुड़े सभी पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर कौन सा हिडन जेम छुपा हुआ है जिसको पकड़ना है। तो अब जब हमें हिमाद्री केमिकल का ईवी के साथ कनेक्शन पता चल गया है तो अब समझते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल किस तरीके से बेहतर है, राइट, है ना। तो नाम से क्लियर क्या है, केमिकल है, कार्बन मटेरियल केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कोल तार पिच, कार्बन ब्लैक, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, रिफाइंड नेप्थेलिन, बैटरी मटेरियल SNF, स्पेशलिटी ऑयल और गैस के थ्रू ग्रीन पावर भी जनरेट करती है। आपको ये सब केमिकल टर्म में सुनकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि हिमाद्री केमिकल जो केमिकल प्रोड्यूस करती है उसका इस्तेमाल पेंट इंडस्ट्री से लेकर पावर इंडस्ट्री तक होता है। पेंट, प्लास्टिक फाइबर बनाने में, डिफेंस सेक्टर का इक्विपमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने में, एल्युमिनियम बनाने में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रबर इंडस्ट्री में, पावर सेक्टर में, लगभग हर जरूरी इंडस्ट्री में सेक्टर में इनके प्रोडक्ट का आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कंपनियां यूज़ कर रही हैं। क्लाइंट वाइज आए तो सीएट, वेदांता, MRF, नालको, ब्रिजस्टोन, गुडियर, अपोलो टायर, HEZ लिमिटेड, पिडलाइट जैसी दिग्गज कंपनियां जो इनके क्लाइंट हैं। 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 7 इंडिया में, 1 चाइना में। अब ये जो है ना दो सेगमेंट में काम करती हैं, पहला कार्बन से रिलेटेड मटेरियल और केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, और दूसरा है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर है। अब रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 99.53% रेवेन्यू कार्बन मटेरियल और केमिकल से आता है और 0.57% पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। मतलब सिर्फ कार्बन मटेरियल और केमिकल ही कंसिडर करना इनके लिए हमें क्या रहेगा, सही रहेगा। जियोग्राफिक वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इंडिया से 78%, आउटसाइड इंडिया से 22% का रेवेन्यू आता है। तो यहाँ तक हम इनके बिजनेस, प्रोडक्ट, क्लाइंट, रेवेन्यू ब्रेकअप समझ चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर प्लान देखना, राइट, तभी तो समझ पाएंगे। सब कुछ अच्छा है बट फ्यूचर ही अच्छा ना हो तो क्या करना। तो फ्यूचर प्लान में केमिकल लिथियम आयन बैटरी का रिसाइकिलिंग भी करने वाला है। लिथियम आयन बैटरी जो है यूज़ होता है ईवी में, इसका रिसाइकिलिंग मार्केट 2040 तक 25% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ होने वाला है। मतलब ईवी के ग्रोथ में पूरा पार्टिसिपेट करने वाला है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, जी हाँ। अब देखते हैं फाइनेंशियल को, तो पिछले 10 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 38%, सेल कम बढ़ा है मगर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा है। मतलब कंपनी अपने एक्सपेंस को सही तरीके से मैनेज कर रही है, तभी तो ऐसा कर पा रही है, वरना क्यों करती, सही है। अब यहाँ पर पिछले 5 साल का कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ है 16%, प्रॉफिट ग्रोथ है -1%। इस 5 साल में कोरोना का भी फेज था, उसमें कंपनी का सेल बढ़ा है मगर एक्सपेंस भी बढ़ने के कारण कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में है। रीसेंट एनुअल जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो मार्च 2022 में सेल था 2,791 करोड़, मार्च 2023 में सेल था 4,172 करोड़, परसेंटेज वाइज 49.48% का ग्रोथ है। मार्च 2022 में नेट प्रॉफिट था 39 करोड़, मार्च 2023 में नेट प्रॉफिट था 216 करोड़, परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितना हुआ 453% का। एनुअल बेसिस पर भी सेल से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस को कंट्रोल किया है। अब हम देखते हैं क्वार्टरली, तो ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 23.4%, ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है 846%, एनुअल की तरह क्वार्टर बेसिस पर भी सेम ट्रेंड दिख रहा है, सेल से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, और ये किसी भी कंपनी के लिए इतना तो आप भी कहेंगे अच्छी बात है। तो यानी ओवरऑल अगर अभी हम देखते हैं तो फाइनेंशियल आप कहो क्या कहोगे, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखते हैं, वो क्या है। ROE है 11.8%, इस इंडस्ट्री का एवरेज ROE है 15.7%, इस कंपनी का 5 ईयर का एवरेज ROE है 9.88%, ROCE है 13.7%, इंडस्ट्री का एवरेज ROCE है 17.69%, और 5 ईयर का एवरेज ROCE कंपनी का क्या है 11.53%। तो रिटर्न रेशियो अपने इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है मगर 5 साल के एवरेज से ऊपर है। मतलब कंपनी अपने इंडस्ट्री के छोटी प्लेयर है मगर अपने 5 परफॉर्मेंस से बेहतर कर रही है। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर है 4.97,
और इस इंडस्ट्री का एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.98, मतलब इंडस्ट्री के बराबर पर इन्वेंट्री खाली कर रही है, जो अच्छी बात है। कैश साइकिल है 66 और इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 72, मतलब हिमाद्री केमिकल अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से पहले कैश रिसीव करता है, ये भी अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी है 0.39 और इस इंडस्ट्री का एवरेज डेट टू इक्विटी है 0.18, अपने इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा डेट टू इक्विटी है मगर एक से कम है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। तो फाइनेंशियल और की रेशियो को समरी करते हैं, तो ओवरऑल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, रीसेंट एनुअल और ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, रिटर्न रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से नीचे है मगर 5 ईयर परफॉर्मेंस से ऊपर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है इंडस्ट्री एवरेज के बराबर है, कैश साइकिल इंडस्ट्री से अच्छा है और डेट टू इक्विटी भी एक से कम है, मतलब ओवरऑल एक हेल्दी स्मॉल कैप कंपनी के रूप में कंपनी सही दिख रही है। मगर अब सवाल आता है, सब सही दिख रहा है तो अब क्या कर सकते हैं, बाय सेल, काफ़ी रिटर्न दे चुका है, बराबर है, ये जवाब कौन देगा, ये जवाब देगा वैल्यूएशन। मैं हमेशा कहता हूँ लोग थंबनेल देखकर इन्वेस्ट करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आते हैं वैल्यूएशन पर, करंट पीए 26.2, इंडस्ट्री पीए 25.88, मतलब लगभग फेयर प्राइस पर है, लेकिन अगर हम पीजी रेशियो पे आते हैं तो वो है 2.18, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 2.82 और इस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.78, मतलब लगभग तीनों वैल्यूएशन रेशियो पर थोड़ा ओवर प्राइस दिख रहा है। मगर इसके कंपैरिजन में अगर आप ईवी बस कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, जो ईवी कंपनी वो क्या है, सुपर ओवर प्राइस्ड है, जिसपे मैंने ओलेक्ट्रा की, जेबीएम की वीडियो बनाई है ना, आप लोगों ने देखी है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे लीडिंग इंडस्ट्री में इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ईवी में कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। तो अब इन सब के मद्देनज़र कहानी क्या है, कहानी अच्छी है कि भैया साइड की कंपनी है, उसी हिसाब से अपना ग्रोथ करती है, कंपनी अच्छा चल रही है। टेक्निकल में बात करते हैं तो 150 का ब्रेकआउट मस्ट नीडफुल है, और वहाँ पर अगर करेक्शन फेज में बात करें तो एक करेक्ट वैल्यू के लिए 125 और 110 के करीब का टेक्निकल लेवल सपोर्ट का बनता है। ओवरऑल सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो अगर हम एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो जिसमें कभी भी एक शेयर नहीं डालना चाहिए, हर सेक्टर के डालना चाहिए, राइट है। तो उस तरीके से जब हम चुनते हैं तो एक अच्छा शेयर इस तरीके से चुनते हैं जिसमें आपको हिमाद्री स्पेशलिटी कहती है मैं अच्छा हूँ, लेकिन अब आपको स्टडी करके बताना है खुद से कि आपको क्या लगता है अच्छा है या नहीं। तो मैंने तो अपने साइड से क्लियर कट बता दिया कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनता है, किस तरीके से नज़रिया होता है, किस तरीके से बेहतरी होती है, टेक्निकल क्या है, शेयर किस प्राइस का करेक्ट वैल्यू जज करेगा। तो अब आपका क्या नज़रिया है कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो बनाने में।